नमस्ते गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल माय पिट्स एंड पॉप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मेरी हेयर से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड आज मैं कुछ आप लोगों को होम रेमेडीज़ भी दिखाऊंगी जो कि मैं मेरी हेयर के लिए यूज़ करती हूँ। सो एक दिन में तो मैं पूरी सब कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो आज से मैं मेरी हेयर केयर आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी करके ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी आज की वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले तो गाइस मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे ढेर सारा प्यार मिली है। मेरी हेयर आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो आप लोगों में से मुझे ढेर सारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स मिले थे, इतने लंबे लंबे बालों का राज क्या है। ये तो खैर मेरी सामने वाले छोटे से पोर्शन है, तो पीछे की बाल में पीछे घूम के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हेयर जो कितने लंबे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है, तो वो तो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी मैं कौन से प्रोडक्ट आज यूज़ करने वाली हूँ, किस तरीके से यूज करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए मेरे हेयर के लिए। सो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट मिले थे मैं कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ, किस तरीके से मेरी हेयर को केयर करती हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं एक दिन में तो ये सब कुछ मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आज जो प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी वो मैं जरूर शेयर करूंगी। एंड गाइस आज जो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगी, इससे आपके अगर डैमेज हेयर है, बहुत थिन हेयर है, वो सब कुछ प्रॉब्लम एक ही चीज से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग थिक हेयर पाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग हेयर पाना चाहते हो, सो इसके लिए आपको कभी भी केमिकल यूज नहीं करना चाहिए। खैर मैं भी एक बार ही लाइफ में केमिकल यूज की थी और मुझे घर में बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी। ये आप कुछ हाईलाइट पोर्शन थोड़ी बहुत देख पा रहे होंगे मेरी हेयर में, तो हाईलाइट की थी, यही सिर्फ मेरे हेयर में केमिकल है, अदरवाइज मेरी हेयर जो है पूरी नेचुरल है। आज तक मैंने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट मैंने आज तक नहीं किया है। सो ये कलर करवाने के लिए मुझे मम्मा पापा से ढेर सारी डांट भी सुननी पड़ी थी कि नेचुरली तुम्हारे हेयर इतने अच्छे हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है। सो खैर ये सब तो होते रहते हैं। इसमें यही कहना चाहती हूँ अपने हेयर में केमिकल के यूज जितने आप कम करेंगे आपके हेयर जो इतना ही ज्यादा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। गाइस मेरी हेयर जो है बहुत ज्यादा थिक भी है, आप लोग देख सकते हो, मैं पीछे से आप लोगों को दिखाती हूँ वन सेकेंड। सो पीछे से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दो साइड में फैन ऑन है, पीछे से आप लोगों को मेरी हेयर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी हेयर की थिकनेस पता चले। मेरी हेयर जो है बहुत ही ज्यादा थिक है, आप लोग देख सकते हो मेरी हेयर जो है बहुत ज्यादा थिक। पीछे से आप लोगों को मेरी हेयर दिखा, दोनों साइड में फैन ऑन है इसलिए शायद ऐसे पीछे की तरफ के बाल उड़ रहे हैं। गाइस आप लोगों ने देखी मेरी हेयर कितना ज्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस आज जो मैं यूज, सो गाइस आप लोगों ने देखी मेरे पीछे की तरफ से हेयर कितना ज्यादा थिक है और कितना लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है मेरी हेयर। एंड जो दो मुंहे बालों के लिए प्रॉब्लम होती है वो भी मैं कैमरा के सामने जाकर मैं दिखाती हूँ मेरी हेयर को, कोई भी दो मुंहे बाल या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज दिखाती हूँ मेरे हेयर में कोई भी दो मुंहे बाल आप लोगों को नजर बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं अच्छे से कैमरा सामने करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गाइस। सो आपको आज दिखाती हूँ मेरे हेयर में कोई भी दो मुंहे बाल आप लोगों को, सो आप लोग देख सकते हो थोड़ी बहुत अगर डैमेज भी हुए होंगे तो ये हाईलाइट करवाने की वजह से ही हुए हैं एंड अदरवाइज मेरी हेयर जो है आप गाइस थोड़ी बहुत अगर मेरी हेयर डैमेज हुई है उसका एक ही रीज़न है, वो है हाईलाइट करवाना, अदरवाइज नेचुरली मेरी बाल जो है बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हर एक क्वालिटी मेरी बाल में है। जो भी मैं पार्लर में हेयर कटिंग करवाने के लिए जाती हूँ सभी जो है यही मुझे कहते हैं और मुझे भी ऐसे ही लगते हैं। जब मैं हेयर ओपन करके बाहर में निकलती हूँ तो सबसे पहले जो देखने वाली बात होती है सब ऐसे हेयर को देखते हैं, सो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है एंड आप लोगों को भी वो चीज़ पसंद आई है। सो
थैंक यू सो मच। एंड आज जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है, लोग हेल्दी बाल पाना चाहते हो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑयल मसाजिंग अपने हेयर में। तो आपको कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करनी पड़ेगी ऐसे 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 करके देने के लिए। मैं कुछ भी ऐसे रूल्स फॉलो नहीं करती हूँ गाइज, जस्ट अपने फिंगर में लेती हूँ एंड ऐसे ऐसे जस्ट मसाज करती हूँ ताकि स्कैल्प के अंदर आपके ऑयल जाए। तो आप जिस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो है आप गाइज ऑयल मसाज करने से पहले आपके हेयर में जितने भी सारे टैंगल्स है वो अच्छे से रिमूव कर लीजिए। देन उसके बाद जो है आप ऑयल ऊपर से लेके नीचे तक पूरी अच्छी तरीके से लगाए ताकि आपके हेयर में जो भी डैमेजेस है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मेरे बाल को जो है मैं ऑयल से अच्छी तरीके से मसाज करती हूँ, लेकिन ऑयल के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको वीक में 5 से 6 दिन ऑयल लगा के चिपको के घूमना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप 10-15 मिनट आगे भी ऑयल मसाज करके उसको जो है वॉश कर सकते हो। ऑयल को जो काम करनी होती है वो जो है 10-15 मिनट के अंदर आराम से वो काम कर लेती है। अदरवाइज मैं जो करती हूँ, रात को सोने के टाइम ऑयल को अच्छी तरीके से मसाज करके मैं सो जाती हूँ। सुबह में जब भी मुझे नहाना होती है मैं अच्छी तरीके से हेयर में शैम्पू लगा के कंडीशनर मेन होती है क्योंकि बाद कंडीशनर जरूर यूज करें। एंड कोई ज्यादातर केमिकल से आप जो है अपने हेयर को बचाइए एंड ऑयल जितना हो सके हर्बल ऑयल जो होती है वो यूज कीजिए। अदरवाइज जो घर में हम लोग ऑयल बनाते हैं, जैसे कि आज मैं आपको एक ऑयल बना के दिखाऊंगी, मैं जरूर यूज कीजिए जो कि मैं यूज करती हूँ एंड मुझे इतने अच्छे हेयर मिले हैं। सो गाइस ये सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गॉड नोस जो सारे मैं होम रेमेडीज यूज करती हूँ उसकी वजह से मुझे इतना अच्छा हेयर मिली है। तो उसमें से एक ऑयल जो मैं आज आप लोगों को बना के दिखाऊंगी वो जरूर यूज कीजिए। वीक में 2 से 3 बार यूज कीजिए, रात के सोने के टाइम पे लगा लीजिए, सुबह में अच्छी तरीके से वॉश करके कंडीशनर अप्लाई कर लीजिए एंड जो भी सारे डैमेजेस होंगे आपके हेयर के वो चले जाएंगे। धीरे धीरे आपके हेयर की ग्रोथ भी होंगे एंड स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। ऑयल मसाजों के ढेर सारे जो है गुण होती है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस मैं जो भी होम रेमेडीज यूज़ करती हूँ मेरे हेयर को अच्छे से केयर करने के लिए, उसमें से ये एक है, ये है सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग सोचेंगे सरसों का तेल? हाँ गाइस मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। मैं वीकली 2 से 3 बार ज़रूर शैम्पू करती हूँ इस समर के सीज़न में एंड शैम्पू करने से पहले मैं ज़रूर हेयर ऑयलिंग करती हूँ। हर्बल ऑयल अदरवाइज मैं होम रेमेडीज़ इन टाइप का जो भी ऑयल मैं यूज़ करती हूँ उसमें से ही एक मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ नींबू की जूस। आप जो है 15-20 ड्रॉप जो है नींबू की जूस सरसों के तेल के अंदर मिक्स कर लेना। ये नींबू क्यों यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। नींबू यूज़ करने से अगर आपकी ड्राई हेयर है या फिर आपके हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, इसकी वजह से हेयर फॉलिंग हो रही है, तो इन सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएंगे। एंड सरसों के तेल की तो कोई बात ही नहीं है, उसका गुण की मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत बता देती हूँ ताकि आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल जाए। सरसों का तेल हमारे हेयर के लिए जो है नेचुरल कंडीशनर होती है। इसको यूज़ करने से सरसों का तेल अगर आप नॉर्मली ऐसे भी यूज़ करेंगे तो उससे भी आपके हेयर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं गाइस, क्योंकि बहुत ही हेल्दी एंड शाइनी हो जाती है। अगर आपकी हेयर फॉलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तो भी आप जो है सरसों का तेल ज़रूर यूज़ कीजिए, उससे जो है स्कैल्प आपके मजबूत होंगे, हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाली है। एंड गाइस जो भी हमारे जो रूट्स होती है बहुत ही वीक होती है, ये सरसों के तेल यूज़ कीजिए, आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। एंड गाइस सरसों के तेल के अंदर जो विटामिन मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं, विटामिन ए डी ई के ये सब कुछ मिलेंगे, जिंक प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं। सो इसके वजह से हमारे हेयर जो है लॉन्ग होने में भी बहुत ज़्यादा मदद होती है। सो गाइस सरसों का तेल सिर्फ यूज़ करने से हमारा हेयर स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लॉन्ग बनेंगे एंड हेल्दी बनेंगे गाइस। सो सरसों के तेल के अंदर अगर आप नींबू मिक्स नहीं करना चाहते हो, आपके अगर डैंड्रफ नहीं है, तो आप एलोवेरा या फिर बनाना भी मिक्स करके लगा सकते हो, एज अ पेस्ट आप लगा सकते हो, मास्क जैसे बना के आप 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट रख लीजिए, देन आप जो है वॉश कर सकते हो। ये भी आपके हेयर के लिए उतने ही फ़ायदेमंद होंगे। तो ऐसे हाथों में लेके स्कैल्प के ऊपर अच्छे से धीरे धीरे मसाज कीजिए एंड सुबह में अच्छे से वॉश करके कंडीशनर कर लीजिए।